Uditraj, a Congress leader, shared his views on the exit polls for Jammu and Kashmir and Haryana legislative assembly elections, suggesting a shift in voter sentiment against the ruling parties. PDP candidate Juhaib Yusuf Mir echoed this, highlighting the need for better representation. In contrast, BJP leader Kavinder Gupta defended his party's record, claiming strong support for the development efforts. Hurriyat Conference Chairman Mirwais Umar Farooq emphasized the importance of dialogue in Kashmir, while former President Ramnath Kovind called for unity in the region. In another matter, the CBI filed its third charge sheet in the NEET UG 2024 paper leak case against 21 individuals, demonstrating their commitment to tackling corruption. Additionally, Karnataka Minister BZ Jameer Ahmad Khan urged stronger protections for minority rights amid these challenges. एग्जिट पोल नॉर्मली इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते नहीं, जब एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में आ गया है तो मेरा ख्याल है कि 70 सीट तक कांग्रेस जाएगी वहां पर, एक तरफा जीत है। आम आदमी पार्टी तो प्रभाव कंटेस्ट में थी भी नहीं, और हम इंडिया अलायंस के धर्म को निभाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए ऑफर किए थे, बात नहीं बनी, उन्होंने अलग लड़ी, लेकिन उनको भी स्ट्रेंथ अपनी पता लग जाएगा। और कांग्रेस की सरकार तो यहाँ बनेगी ही, और अलायंस से जम्मू एंड कश्मीर में भी बनेगी, ये तो पूरा दिख रहा है सामने। जब एग्जिट पोल ऐसा कर रहे हैं जो नॉर्मली सत्ता पक्ष के लिए ही काम करते हैं, इस तरह से लोकसभा में साइकोलॉजिकल एडवांटेज दिया था बीजेपी को, और उसका फायदा बीजेपी को मिला है, तो अब तो एक तरफा ही जीत है, इसमें तो बीजेपी साफ है। और अब जो मोदी जी वाला वो था, करिश्मा था, वो खत्म ही हो गया बिल्कुल। अब बीजेपी और आरएसएस का जो मेहनत का है और पकड़ का, वही वोट मिल पा रहा। अगर उधर कश्मीर की बात है, गठबंधन को समर्थन देने के संकेत दिए हैं, बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए तैयार। देखिए, 8 तारीख के बाद क्या संभावना बनती है वो देखा जाएगा। उन्होंने ऑफर किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, तो पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं। एनसी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाएंगे। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी कश्मीर में बेहतर स्थिति में होगी, समान विचार वाली पार्टियों से बातचीत जारी है। कोई ऐसा समान विचारधारा पार्टी हो, बात हो तो बताए मुझे, मुझे तो नहीं लगता है। एनसी भी उनके विरोध में है, पीडीपी भी विरोध में है, तो कहाँ से पाताल से समान विचारधारा निकाल करके लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो बीजेपी की बात का यहाँ कोई दम नहीं है। एक और बात उन्होंने कहा, जो ये चलने जिसे उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अलगाववादियों के साथ है, जो संसद में बैठ रहे हैं तो संसद में मत बैठने दीजिए, बगल में चेयर संसद की मत दीजिए। आश्चर्य, एग्जिट पोल ना